नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी करें। इसी के साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानना। तो आज के वीडियो में आपको क्या जानने वाले हैं? आज के वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि हिमाचल में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। जी हाँ, अनलॉक की प्रक्रिया सभी राज्यों में शुरू हो रही है, सभी जानते हैं। तो इसी कड़ी में हिमाचल में क्या क्या खुलने वाला है और क्या क्या अभी भी बंद रहेगा, ये जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देंगे। इसी के साथ वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति है, क्या अपडेट है, कितने केसेस हैं, कितने ठीक हो गए वगैरह वगैरह, ये जानकारी भी हम आपको मुहैया कराएंगे। इसी के साथ आज के वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए क्या नई स्कीम आ रही है। जी हाँ, जिन बच्चों ने कोरोना की वजह से अपने माता पिता को गवा दिया, ऐसे बच्चों के लिए स्कीम लॉन्च की जा रही है, तरह तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं, उसके बारे में भी आज हम आपको बताने वाले हैं। इसी के साथ आपको पता चलेगा जल शक्ति विभाग से जुड़ी हुई एक अपडेट के बारे में, और एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है 10वीं और 12वीं के रिजल्ट से जुड़ी। जी हाँ, स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, एक क्लिक पर जाने पूरी डिटेल। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू में लगाई गई बंदिशों में ढील मिलने वाली है, इससे कई तरह के बदलाव होंगे। जहां प्रदेश भर में दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी, वहीं प्रदेश के अंदर परिवहन निगम की बसें भी दौड़ेंगी। इसके अलावा भी प्रदेश की जनता को कैबिनेट बैठक में लिए फैसलों के अनुसार कई रियायतें मिलेंगी। इस दौरान प्रदेश में कोविड नियमों का सख्ती से पालना को लेकर आवश्यक आदेश भी जारी कर दिए गए। डीसी सोलन केसी चमन ने कोविड 19 महामारी के दृष्टिगत छूट और प्रतिबंधों के संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के अनुसार जिले में मास्क नहीं तो सेवा नहीं की नीति की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनाई जाएगी। जिले के सभी बाजार और दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 9 बजे से साय 5 बजे तक खुले रहेंगे। सभी बाजार और दुकानें शनिवार रविवार को बंद रहेंगे। सब्जी, दूध, दुग्ध उत्पाद, मीट, मछली, अंडों और रोजमर्रा की जरूरतों की दुकानें शनिवार और रविवार को भी प्रातः 9 बजे से साय 5 बजे तक खुली रहेंगी। फार्मेसी और दवा की दुकानें सामान्य कार्य समय के अनुसार खुली रहेंगी। दुकानदारों और विक्रेताओं को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी कोविड 19 सुरक्षा मानकों की अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी। आगामी आदेशों तक 4 कर्मियों तक की संख्या वाले सभी पूर्ण संख्या के साथ कार्य करेंगे। सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय और स्वायत्त संस्थाओं के अलावा कार्यालय आगामी आदेशों तक 50% कर्मियों के साथ कार्यशील रहेंगे। विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालय के अध्यक्ष क्रमवार उपस्थिति के संबंध में आवश्यकता अनुसार निर्णय ले सकेंगे। सभी कार्यालयों में कोविड 19 महामारी से बचाव के लिए सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन किया जाएगा। दिव्यांग, गर्भवती और धात्र महिलाओं को कार्यालय आने से छूट रहेगी और ऐसे कर्मचारी अपने घर से कार्य कर सकते हैं। हिमाचल में सभी प्रकार के अंतरराज्यीय आवागमन का अनुश्रवण कोविड ई पास सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण के माध्यम से किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य संगरोध आवश्यकता का अनुश्रवण और कोविड 19 पॉजिटिव रोगी के मामले में उनसे संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करना है। हिमाचल के होटल कारोबारी पर्यटकों के स्वागत को तैयार, अगले 2 माह फुल ऑक्यूपेंसी की उम्मीद। हिमाचल में बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म करने के बाद अब प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है। वहीं होटल कारोबारी भी मेहमानों के स्वागत को तैयार हो गए, बस अब उन्हें इंतजार है तो मेहमानों के आने का। राजधानी शिमला में बीते रोज ही 100 के करीब होटल खुल गए, जबकि 250 होटल सोमवार को खुलेंगे। डलहौजी में सोमवार से 140 होटल के ताले खुलेंगे। कुल्लू और मनाली में 1200 से 1500 और चायल के 50 होटल के दरवाजे सैलानियों के लिए खुल जाएंगे। टैक्स माफी मां अन्य मांगे पूरी न मानने तक जारी रहेगी निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल। हिमाचल प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर टैक्स माफी समेत अन्य मांगों के पूरा न होने पर हड़ताल पर ही रहेंगे और सोमवार से प्रदेश में अपनी बसें नहीं चलाएंगे। ये फैसला प्रदेश निजी बस ऑपरेटर्स की रविवार को वर्चुअल बैठक में लिया गया। मांगे न मानने की सूरत पर आंदोलन उग्र करने की चेतावनी दी। निजी बस ऑपरेटर 3 मई से हड़ताल पर हैं। 7 मई को प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगा था। रविवार को निजी बस ऑपरेटर्स की वर्चुअल बैठक प्रदेश प्रधान राजीव पराशर की अध्यक्षता में हुई। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाएगी राजपूत सभा।
हिमाचल प्रदेश राजपूत कल्याण ट्रस्ट की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को पठियार स्थित महाराणा प्रताप इंटरनेशनल स्कूल में निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। पात्र बच्चों के परिजन राजपूत ट्रस्ट या राजपूत कल्याण सभा के पास आवेदन कर सकते हैं। सभा अपने स्तर पर निरीक्षण करने के बाद पात्र बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। पैरा पंप ऑपरेटर्स और पैरा फिटरों को मिलेंगे 4600 रुपए प्रतिमाह। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार शीघ्र ही जल शक्ति विभाग में पैरा वर्कर्स के 2322 पद भरने की प्रक्रिया आरंभ करेगी। पैरा पंप ऑपरेटर्स और पैरा फिटर्स को 4600 प्रतिमाह और बहुउद्देश्य पैरा वर्कर्स को 3600 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाना है। महेंद्र ने कहा कि नई भर्ती के बाद प्रदेश के करीब 550 पेयजल और सिंचाई योजनाओं की उचित देखभाल की जा सकेगी। पहले दिन 1004 रूट्स पर दौड़ेंगी सरकारी बसें, सवारियों के रिस्पांस पर बढ़ेगी संख्या। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से करीब 1004 रूट्स पर हिमाचल पथ परिवहन निगम बसें चलने की तैयारी है। इसके साथ सवारियों का रिस्पांस देखकर एचआरटीसी बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के भीतर बसें चलाने का फैसला लिया गया। इसके लिए चालकों परिचालकों से रविवार तक डिपो या अड्डे में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। निजी ऑपरेटर्स की सहमति नहीं बनी तो एचआरटीसी बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रदेश में चलाए जाने वाले रूट्स के हिसाब से चालकों परिचालकों की रोटेशन में ड्यूटीज लगाई जाएंगी। एचपी कोरोना 238 केस और 855 ठीक, 7 की मौत, 4778 एक्टिव केस। हिमाचल में कोरोना के 238 मामले आए, वहीं 855 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए, 7 लोगों ने दम तोड़ा। हिमाचल में कुल आंकड़ा 198551 पहुंच गया। अभी 4778 एक्टिव केस हैं। अब तक 190377 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 3375 है। हिमाचल में कोरोना रिकवरी रेट अभी 95.88% है। कोरोना डेथ रेट 1.69% है। कांगड़ा जिले में 71, शिमला में 30, मंडी ऊना में 27, चंबा में 23, सोलन में 16, बिलासपुर में 15, सिरमौर में 14, हमीरपुर में 7, लाहौल स्पीति में 5 व कुल्लू में 3 मामले आए। कांगड़ा के 189, मंडी में 131, चंबा के 89, बिलासपुर व हमीरपुर के 76, शिमला के 75, सिरमौर के 61, सोलन के 60, ऊना के 46, कुल्लू के 33, किन्नौर के 16 व लाहौल स्पीति के 3 ठीक हुए। विक्रमादित्य ने साझा की तस्वीर, बोले माँ भीमकाली के आशीर्वाद से स्वस्थ हैं वीरभद्र सिंह। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने रविवार को सोशल मीडिया में अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ फोटो साझा की। विक्रमादित्य सिंह ने लिखा कि मां भीमा काली के आशीर्वाद और आप सभी लोगों की दुआ से वीरभद्र सिंह स्वस्थ हैं। वीरभद्र सिंह आईजीएमसी के मेकशिफ्ट वार्ड में दाखिल हुए। एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, मेडिसिन, कार्डियोथोरोसिक सर्जरी, एंडोकार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी विभाग के कंसल्टेंट डॉक्टर्स की तैनाती की गई है। 10वीं और 12वीं रिजल्ट के तय क्राइटेरिया से हिमाचल अध्यापक संघ खफा। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड पर छात्रों के हित से खिलवाड़ करने का आरोप जड़ा। उन्होंने कहा कि हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट निकालने के लिए तय क्राइटेरिया मेरिटोरियस छात्रों के हित में नहीं। चौहान ने हैरानी जताई कि शिक्षा बोर्ड ने इतने बड़े निर्णय लेने से पहले पंजीकृत शिक्षक संघों और शिक्षाविद और अभिभावकों से भी मंत्रणा करना उचित नहीं समझा। चौहान ने कहा कि 10वीं और 12वीं के हिंदी और अंग्रेजी का जो पेपर हुआ उसके लिए मानदंड लगाना कितना तर्कसंगत है। उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि बहुत से छात्र जिनके अंग्रेजी या हिंदी के एनुअल पेपर में 85 या 90 नंबर आ रहे हैं और प्री बोर्ड फर्स्ट सेकंड टर्म के क्राइटेरिया के आधार पर 40 नंबर प्री बोर्ड के रख दिए गए और केवल मात्र 5 नंबर ही एनुअल पेपर के क्राइटेरिया में रखे गए, तो क्राइटेरिया के आधार पर यदि छात्र के कुल मार्क्स 80 ही बनते हों तो उस छात्र को 90 नंबर की जगह जो उसने वार्षिक परीक्षा में वास्तव में अर्जित किए हैं उनके स्थान पर 80 नंबर देना कितना उचित है। बद्दी में फिर इंसानियत हुई शर्मसार, 30 वर्षीय युवक ने 6 वर्षीय बच्चे के साथ किया दुष्कर्म। दुनिया में घोर कलयुग छा चुका है। हवस में अंधे हुए लोगों को बच्चों को भी अपनी हवस का शिकार बनाने से नहीं चूक रहे। एक ऐसा ही संगीन मामला गांव सीतलपुर से सामने आया जहां 6 साल के मासूम लड़के से उसी के पड़ोस में रह रहे 30 वर्षीय युवक के द्वारा दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान राहुल निवासी बिहार, उम्र 30 वर्ष, हाल निवासी सीतलपुर के रूप में हुई है। राठौर ने भाजपा पर कसा तंज, बोले पीएम लड़ाकू विमान में बैठते हैं तो क्या उन्हें विमान चलाना आता है। कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा साइकिल रैली को लेकर की गई बयानबाजी उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि पार्टी का कोई भी विरोध प्रदर्शन सांकेतिक संदेश होता है। उन्होंने भाजपा पर तंज कस दिया कि वो बताएं कि जब प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री सेना के किसी लड़ाकू विमान या टैंक पर वर्दी पहनकर बैठते हैं तो क्या उन्हें विमान उड़ाना या उससे कोई बम चलाना भी आता है।
हिमाचल पहुंचा मॉनसून, सामान्य से 13 दिन पहले किया प्रवेश। प्री मॉनसून के एक दिन बाद हिमाचल में मॉनसून भी प्रवेश कर गया। इस वर्ष सामान्य से 13 दिन पहले दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने हिमाचल में दस्तक दे दी। शनिवार रात और रविवार तड़के तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल झमाझम बरसे। रोहतांग और मनाली की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सोमवार को भी प्रदेश के सभी क्षेत्रों में भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 15 से 17 जून तक प्रदेश में येलो अलर्ट जारी रहेगा। 19 जून तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। तो ये थी आपके राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरें। उम्मीद करते हैं आपको खबरें जरूर पसंद आई होंगी। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।